हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पूरा रिटायरमेंट का प्रोग्राम दिखा रहे हैं जो कि 62वें साल में हुई है रिटायर हमारी मैडम। ये देखिए, पूरा रूम डेकोरेट किया हुआ है जहाँ पर फंक्शन होना है। और सबसे पहले सरस्वती माता के सामने दिया जला के इस कार्यक्रम को हम स्टार्ट करेंगे। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ ईश वंदना, जिसमें दीप प्रज्वलन होगा। तो मैं ऊपर को उठती है, ऐसे ही प्रज्वलित कर रहे हैं। सबसे पहले पुष्पी दीप्ति देखो, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। चाहे जय जयकार लगाओ, मालाओं से कंठ सजाओ, जब तक हृदय में दीप जलाए वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा। फूलों की माला से उनका स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद शॉल से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और उसके बाद विदाई पत्र पढ़ेंगे। श्रीमती गीता लोहनी जी, सागर अभिनंदन। आपकी आज आपकी सेवानिवृत्ति का दिन है। शिक्षा क्षेत्र में योगदान अमित है। मटियानी पुरस्कार से नाम जुड़ा है, जिससे विद्यालय का मान बढ़ा है। विदाई पत्र भी उनको सम्मान पूर्वक भेंट किया जाता है। और अब केक कटिंग का टाइम हो चुका है। देखिए, फैमिली केक कट रहा है। और मेरी भी बारी आ गई है केक खिलाने के लिए। मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है जो रिटायर हो रही हैं। ऐसे ही सबने बारी बारी से बहुत अच्छे सॉन्ग सुनाए बीच बीच में। मैं गुजरे पलों को सोचूं तो आप याद बहुत आएंगी। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लम्हे खुशबू जैसे थे। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लम्हे खुशबू जैसे थे। मैं स्कूल चमन में टहलूंगी तो आप याद बहुत आएंगी। जिंदगी बदल जाएगी आपकी, जिंदगी बदल जाएगी आपकी, एक नए सिरे में ढल जाएंगी। यादों की पुस्तक बन जाएगी, जब पन्ने खोलेंगे यादों के, तब याद हमें भी कर लेना। संजो लेना मीठी यादें, कटु पलों को किसका। और सब अपनी तरफ से जो जो उन्हें भेंट करना चाह रहे हैं वो दे रहे हैं। लोहनी मैडम सबकी चहेती है, बच्चे भी उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे। ये देखिए, सब अपनी तरफ से पर्सनल गिफ्ट कर रहे हैं सब उनको। और ये पूरे विद्यालय परिवार की ओर से एक मोमेंटो भी दिया जा रहा है उनको। और ये पूरा सेट भी सारा विद्यालय, पूरे विद्यालय की ओर से। और मैडम को तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और शायद जितनी स्वस्थ की है वो आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप मुझे सोचने का मौका ही नहीं देते कि कोई कुछ हो भी रहा है। और कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो हर इंसान ऐसे अपने
रास्ते के बीच में यहाँ पर गए थे। ये मेरा घर, मैं हमेशा कहती थी ये मेरा मायका है। अब मुझे लग रहा कि मैं ससुराल जा लगा था मैं पाई कि मैं आजाद बनती हूँ, जिससे जो बोलना है जिसको। और सीखू को तो मैंने कभी, जैसे कि बच्ची थी जब ये पहले पहले आई यहाँ, बहुत क्यूट सी, बड़ी छाजरी अच्छी थी। तो मैंने इसलिए सोचा कि ये पागल लगती है, मैं दीदी ऐसी कहाँ आ गई, सुनते ही और मत ये था ये सोचती। खैर घर गई है, मैं हमसे बोलती थी कि हमारे बीच में रहने के मनीला बजी तो मनीला नहीं बजी, बहुत डांटती थी लगती थी। अच्छा हुआ उसको अच्छा घर परिवार मिल गया, इतनी केयर उसके हस्बैंड ने, प्यारी सी बच्ची है, नजर न लगे, इतनी खूबसूरत बच्ची, इतनी एक्टिंग वाली बच्ची। आशा मैडम, हो मैडम सुनो, अभी तो मुझे बहुत याद आता था मैडम, हाँ आते ही हर किसी का मेरे लिए ये रहता हूँ विटामिन सो आते कहीं खाती ना आ जाओ तुम्हारा भाती बहुत मिस करूँगी मैं। और दीप्ति मैडम तो हंसते ही नहीं आते, परिहार मैडम की तो मैं क्या मानी, सब उनकी मानी, काश मेरी मानी होती हम वैसी मानी चाहिए आपकी जैसी। अच्छा मैडम अभी अंजना मैडम अभी भी आई, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका प्रभाव अच्छा है। आप भी बहुत एक भी अगर वहाँ आती है नमस्कार, हमने सब हो गई है अच्छा लगा। अब पुराने मैडम के तो कुछ कह नहीं सकते, 36 का आंकड़ा रोज लड़ाई करेंगे, रोज रिपोर्ट होंगे, फिर उसके बाद खाने तो कुछ कुछ करेंगे, तो सुबह एक कल लड़ रही था आज खाने क्या होगी इनकी कुछ की बात है। तारा मैडम को भी डांट दिया मैं सीनियरिटी देख, मैं तभी ये बात में ऐसे कह फिर कर ना हरे का किरण को, किरण बहुत लड़ी और प्यारी थी, रिएक्शन बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा फिर याद मैम बहुत कम समय रहे लेकिन आपका स्नेह आपका प्यार बहुत मिला। और ये ना दीदी मेरी वहाँ से देखो रिटायर होने के बाद वहाँ से आई है, ये हमारे पड़ोसी भी रहे हैं वहाँ पर, मेरे जो ससुराल है उनको मेरी खास दोस्त उनके साथ ही रही है, ये हमारे घर परिवार से बहुत अच्छी परिचित है। लेकिन बहुत अच्छी इनसे भी जो कितना इनके साथ में खेलती थी, इन्होंने एक बार मेरे दुपट्टे में एक झाड़ मार दिया और उन्हें निकाल कर घर तक गया झाड़, और सारे से झाड़ गया वो मुझे पता नहीं चला, जब घर में देखा तो दुपट्टे में इतना झाड़ होता हुआ, तो बहुत बस डराती थी जैसे पहलती थी जैसे सांप आ गया ये आ गया, बहुत इनकी भी अटकलें मुझे बहुत पसंद आती थी, बहुत अच्छा लगता था। और अभी ये मैडम मुझे लगता है कि ये मेरा परिवार बहुत अच्छा है, जहाँ मुझे इतना प्यार मिलता है। और मैं जैसे एक लड़की होती है ना अपने घर में मस्त रहती है, किसी परवाह नहीं होती है, खाना मिल ही जाएगा, कपड़े मिल ही जाएंगे, काम हो ही जाएगा, ऐसा होता था। ऐसे ही मुझे यही हमको ये होता था कि कोई भी किसी कोई भी अगर मेरे काम में परेशानी हो जाएगी तो मेरे पीछे इतने दिन खड़े होने के लिए तैयार। और कोई कभी भी मेरे से मतलब बहुत डांटा मैंने, बहुत गुस्सा आ जाता वो देती थी तो दिल से मत लगाना, अभी से याद रखना। और जिसकी उम्र के काम कोई चीज हो तो मुझे जरूर बुलाना, जरूर बुलाना, मैं अवश्य आऊँगी, चाहे अगर मैं यहाँ हूँ तो अगर कहीं जगह होंगी तो कभी मैं बताऊँगी कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ करके। और अरे की जितने लोग सबसे विदा होंगे उनको भाई मान सम्मान के साथ विदाई करना, मैं कल मजाक कर रही थी ना मैं अपने लिए सज्जा कर जा रही हूँ, मैडम ने सबके लिए बोला, सबको बहुत रुला दिया और हमें बहुत याद आएगी मैडम की, हमारी लोहनी मैडम सबसे बेस्ट। ऐसा है कि कोई भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, आपने भी नोट करा होगा, हर कोई उससे दो अगर सेकंड भी बात करेगा तो उनसे प्रभावित हो जाता है। मैंने यही देखा, मैं इतने सालों से उनके साथ हूँ ना,
उनको देखते ही मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक नई ऊर्जा का संचार होता है। शायद आपको भी वो महसूस हुआ होगा, जैसे ही अंदर स्टाफ मेंबर प्रवेश करती हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, कुछ करने की ऊर्जा जैसे होने लगती है। हम चाहे कैसे दुखी हो या चाहे कुछ भी हो, तो ये मैंने इनसे सीखा है ना। मैं हमेशा उनका सम्मान करते रहूँगी आगे भी, और सारे लोग जो जितने भी यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनके जीवन से हम लोग प्रेरणा लेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जो उन्होंने यहाँ पे काम किए ना वो हमारे लिए बिल्कुल प्रेरणा ही है ना। और जल्दी ही उनके बच्चों की शादी हो और हमें बुलाएं, यही आशा है।